जी एजुकेशन, सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू हो रही हैं, यानी परीक्षा में अब करीब एक हफ्ते का ही समय बचा है। ऐसे में परीक्षा को लेकर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में उठने वाली शंकाओं को देखते हुए सीबीएसई ने एनुअल प्री एग्जाम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी शुरू कर दी है और यह काउंसलिंग परीक्षा खत्म होने तक चलेगी। 30 मार्च 2020 तक चलने वाली इन बोर्ड परीक्षाओं के लिए यह काउंसलिंग परीक्षा खत्म होने तक चलेगी। सीबीएसई सहित विदेशों के 95 प्रिंसिपल्स और ट्रेंड काउंसलर्स स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की शंकाओं का निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। काउंसलर से पूछे जा रहे कुछ कॉमन सवाल और उनके उत्तर यहाँ दिए जा रहे हैं। साथ ही सीबीएसई से पूछे गए कुछ ऐसे सवाल भी शामिल किए गए हैं जिनके बारे में परीक्षा में शामिल हो रहे स्टूडेंट्स को जानना आवश्यक होगा। पहला सवाल है, मान लीजिए मैंने अपना पेपर समय से पहले हल कर लिया और आंसर शीट जमा कर दी है। बाद में मुझे ध्यान आता है कि मैंने एक प्रश्न का उत्तर गलत लिखा है, क्या मैं आंसर शीट दोबारा ले सकता हूँ? जवाब है हाँ, आप समय रहते इन्विजिलेटर से आंसर शीट वापस देने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, परंतु अच्छा होगा कि आंसर शीट समय समाप्त होने पर ही हैंडओवर करें ताकि ऐसी समस्या ना आए। सवाल है, मुझे बोर्ड परीक्षा से बहुत डर लग रहा है। पूरे साल पढ़ाई करने के बावजूद मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, लगातार सिली मिस्टेक्स भी कर रहा हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँ? निर्धारित समय में सैम्पल पेपर्स को हल करें, इससे आप टॉपिक को याद रख सकेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्रश्न को हल करने की जल्दीबाजी ना करें, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और शांति से हल करें। जहाँ तक बात सिली मिस्टेक्स की है, तो इसमें यह देखने में आया है कि स्टूडेंट्स शुरुआत में पेपर को तेज़ी से और बाद में आराम से हल करते हैं, जिसकी वजह से उनके पास रीचेकिंग का पर्याप्त समय नहीं बच पाता है। ऐसे में पेपर को इस तरह हल करें ताकि अंत में रीचेकिंग का समय बच जाए। सवाल है, क्या एग्जामिनर्स खासकर भाषा के पेपर्स में शब्द सीमा से अधिक लिखने और स्पेलिंग की गलतियों के कारण अंकों की कटौती करते हैं? इसके जवाब में, शब्द सीमा से अधिक लिखने के लिए कोई अंक नहीं काटे जाते, लेकिन भाषा के पेपर्स में स्पेलिंग या अन्य गलतियों के लिए अंक काट लिए जाते हैं। सवाल है, पढ़ाई पर ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए क्या करूँ? क्या चाय कॉफ़ी या कोई मेडिसिन इसमें मददगार साबित होगी? जवाब है नहीं, किसी प्रकार की मेडिसिन कंसंट्रेशन के लिए मददगार नहीं है। दरअसल दिन भर में हम जो खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण कंसंट्रेशन पावर कम हो जाती है, जिसकी वजह से टेंशन और एंजाइटी होने लगती है। इसलिए न्यूट्रिएंट युक्त भोजन जिसमें फ्रूट्स नट्स आदि शामिल है, यह खाना चाहिए। सवाल है, ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार रोल नंबर 8 अंकों का होगा और उसे भरने के लिए केवल 7 बॉक्स होंगे, तो फिर पूरा रोल नंबर कैसे भरा जाएगा? घबराने की ज़रूरत नहीं है, रोल नंबर लिखते समय पहला अंक बॉक्स के बाहर लिखें और पहले अंक से संबंधित सर्कल भी दिए गए सर्कल से बाहर बाईं तरफ बनाकर फिल करें। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका रोल नंबर 4586 5780 है, तो आपको दिए गए बॉक्स की तरह रोल नंबर भरना होगा। इसमें देखिए, बॉक्स में पहले ही एक जो नंबर है वो लिख दिया गया है और इसी तरह से सर्किल भी यहाँ पर राउंड अप किया गया है। इसके बाद भी अगर आपको रोल नंबर भरने में समस्या आती है, तो आप एग्ज़ाम हॉल में मौजूद टीचर से मांग कर सकते हैं। कहा जाता है कि हर सवाल हर जवाब के खत्म होने पर लाइन खींचने और साइड में मार्जिन खींचने से प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। क्या अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए अंक दिए जाते हैं? जवाब है नहीं, प्रेजेंटेशन के लिए कोई अलग से अंक नहीं दिए जाते हैं, लेकिन प्रयास करें कि आप उत्तर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करें और साफ शब्दों में लिखें।